दोस्तों, प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एग्जाम के लिए एनटीपीसी हेतु जो समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने शुरू किया था, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 20 आज लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने प्रश्न नंबर एक से। पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो आपका विकल्प ए है अजीमुल्ला खां द्वारा, विकल्प बी है कुंवर सिंह द्वारा, विकल्प सी है खान बहादुर खान द्वारा, और विकल्प डी है तात्या टोपे द्वारा। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प है विकल्प बी, यानी कि कुंवर सिंह द्वारा 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर में इन्होंने नेतृत्व किया था। आपको बता दें 1857 का जो युद्ध हुआ था वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इसकी शुरुआत बेसिकली मंगल पांडे, जो बैरकपुर छावनी से थे, उन्होंने शुरुआत किया था मेरठ से, लेकिन बाद में उनको फांसी दे दी गई। अंत में कुछ लोगों ने दोबारा विद्रोह किया और दिल्ली चलो का नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच किया, और दिल्ली में जो शासक थे बहादुर शाह जफर, उनको अपना राष्ट्रीय नेता घोषित किया। इस प्रकार अन्य प्रांतों में भी कई लोगों ने अलग अलग प्रांतों में अपना प्रतिनिधित्व किया इस विद्रोह का। आपको बता दें, हमेशा कई एग्जामों में ऐसा पूछा गया है कि किस स्थान पर किसने प्रतिनिधित्व किया था 1857 के विद्रोह का। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता दे रहे हैं। कानपुर में जो प्रतिनिधित्व किया था वो नाना साहब ने किया था, इनके सेनापति थे तात्या टोपे, इन्होंने बेसिकली प्रतिनिधित्व किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ से बेगम हजरत महल तथा इलाहाबाद से लियाकत अली ने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व प्रदान किया था। अगला सवाल है, दूसरा, ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया गया था, यानी आपको बताना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन किन क्षेत्रों में किया गया था? तो विकल्प ए है मद्रास और बम्बई, विकल्प बी है गंगा यमुना दोआब, विकल्प सी है संयुक्त प्रांतों में, और विकल्प डी है बंगाल और बिहार में। तो आपको बताना है रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रारंभिक तौर पर किन क्षेत्रों में किया था? इसका सही विकल्प है विकल्प ए, यानी कि मद्रास और बम्बई में रैयतवाड़ी प्रथा का प्रचलन हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें, कृषि संबंधित जो कर वसूलने की प्रथाएं थी अंग्रेजी जमाने में प्रमुखता तीन थी। एक थी रैयतवाड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया, दूसरी थी महलवाड़ी, और तीसरी थी स्थायी बंदोबस्त। तो आपको बता दें, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, इसके जो जनक थे, यानी कि जो शुरू की गए थे इस चीज़ को, जिसने शुरू किया था वो थे मुनरो तथा जो चार्ल्स रीड थे, इन्होंने शुरुआत किया था। महलवाड़ी व्यवस्था को हार्ट मैकेंजी ने प्रारंभ किया था, हार्ट मैकेंजी नाम याद रखें। तथा जो स्थाई बंदोबस्त था, जमींदारी बंदोबस्त, उसको लॉर्ड कार्नवालिस 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने स्थाई बंदोबस्त का प्रचलन शुरू किया। और बेसिकली जो इन्हें सुझाव दिया था स्थाई बंदोबस्त के लिए वो थे जॉन सोर ने स्थाई बंदोबस्त का सुझाव दिया था लॉर्ड कार्नवालिस को 1793 में। दोस्तों, ये उस समय भारत के गवर्नर थे। तीसरा सवाल है, मौर्य साम्राज्य के लक्षणाध्यक्ष होता था, मौर्य साम्राज्य में जो लक्षणाध्यक्ष होता था वो कौन होता था? आपको बताना है, विकल्प ए है सिक्कों का निरीक्षक, विकल्प बी है टकसाल का अध्यक्ष, विकल्प सी है खदानों का अध्यक्ष, और विकल्प डी है चारागाहों का अध्यक्ष। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प बी, यानी टकसाल का अध्यक्ष जो होता था टकसाल का, उसको लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था मौर्य प्रशासन में। टकसाल दोस्तों ऐसी चीज़ होती है जिसे अंग्रेजी में इसको मिंट बोलते हैं, जहाँ पे सिक्कों की ढलाई की जाती है। आपको बता दें, मौर्य शासन का जो स्थापक था वो तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसने नंद वंश की अंतिम जो शासक थे घनानंद, उनको परास्त करके इन्होंने मौर्य वंश का प्रारंभ किया था। अगला सवाल है दोस्तों, चौथा, सारगैसो सागर प्रख्यात है, मतलब सारगैसो सागर जो है, कई बार ये पूछा गया है, याद रखे दोस्तों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि सारगैसो सागर है वो किस चीज़ के लिए प्रख्यात है? विकल्प ए है अत्यधिक निम्न ताप हेतु, विकल्प बी है गहराई हेतु, विकल्प सी है समुद्री शैवाल से भरे स्थिर जल हेतु, और विकल्प डी है उष्णकटिबंधीय महासागरीय धाराओं हेतु। तो आपको बताना है कि सारगैसो सागर किस से जुड़ा हुआ है या किस लिए फेमस है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प सी, यानी समुद्री शैवाल से भरे स्थिर जल हेतु। आपको बता दें दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक सागर, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है,
वहाँ पे जो जल धाराएँ चलती हैं बेसिकली उत्तरी विषुवतीय जलधारा, फिर गल्फ स्ट्रीम धारा और यहाँ से किनारी जलधारा इस तरीके से चलती है। तो जो ये क्षेत्र बसता है ये एक बड़ा ही शांत जल का क्षेत्र होता है, शांत जल का क्षेत्र होता है जिसे सारगैसो सागर के नाम से बोलते हैं। इसका नाम सारगैसो सागर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे सारगैसम नाम की शैवाल पाई जाती है दोस्तों। यहाँ पे सारगैसम शैवाल पाई जाती है जिसके नाम पे ये सारगैसो सागर बना है। पांचवा सवाल है कि रांची का पठार उदाहरण है ए सही प्लेनिप्लेन का, बी प्रारंभी पेनिप्लेन का, सी फॉसिल पेनिप्लेन का और विकल्प डी है उत्थिल पेनिप्लेन का। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प है विकल्प सी यानी फॉसिल पेनिप्लेन का। रांची का जो पठार है वो फॉसिल पेनिप्लेन का उदाहरण है। आपको बता दें दोस्तों जो भूमि की ऊंचाई या गहराई होती है उस आधार पर भूमि को तीन भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं मैदान, दूसरे को बोलते हैं पर्वत और तीसरे को बोलते हैं पठार। तो जो पठार होते हैं वो बेसिकली भूमि से सीधे उठे होते हैं, ये थोड़ा समतल भी क्षेत्र होते हैं, समतल क्षेत्र होते हैं, भूमि से सीधे उठे होते हैं। पहाड़ी की जो ऊंचाई होती है वो सामान्यतः काफ़ी ज़्यादा होती है और प्लेन जो एरिया होता है वो मैदानी एरिया होता है, समतल एरिया होता है। छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, विकल्प ए नंदन कानन को, विकल्प बी पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को, विकल्प सी असम में काजीरंगा को और विकल्प डी है भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर को। तो आपको बताना है वैश्विक विरासत का जो वन है वो किसे माना जाता है। इसका सही विकल्प है विकल्प बी यानी पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। आपको बता दें कि जो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है यहाँ पे बेसिकली सुंदरी ये वृक्ष की एक प्रजाति है, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, मैंग्रोव की एक प्रजाति है सुंदरी, इसी की वजह से सुंदरवन इसका नाम पड़ा है। असम में जो काजीरंगा है बेसिकली ये एक राष्ट्रीय उद्यान है और एक सींग वाले, भारत में जो एक सींग वाले गैंडे होते हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं। कई बार पूछा गया है कि एक सींग वाले गैंडे बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं या भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। अगला सवाल है सातवां, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक रूप से सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है, यानी कि जो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक रूप है शासन का उसके वर्गीकरण का बेस क्या है, आपको बताना है। विकल्प ए है केंद्र राज्य संबंध, विकल्प बी व्यवस्थापिका कार्यपालिका संबंध, विकल्प सी कार्यपालिका न्यायपालिका संबंध और विकल्प डी उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा इनमें से। सही विकल्प है विकल्प बी यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संबंधों के आधार पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक जो रूप है शासन का उसको बनाया गया है। संसदात्मक स्वरूप में दोस्तों जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है, इसलिए ऐसे सरकार को संसदात्मक सरकार बताते हैं। अध्यक्षात्मक शासन में जो है जो प्रमुख होता है वो लोकसभा के लिए या निम्न सदन के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं होता, ये प्रणाली यूएसए यानी कि अमेरिका में प्रचलित है। अगला सवाल है आठवां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस अनुच्छेद में यह प्रोविजन किया गया है कि राज्य सूची के किसी कानून पर केंद्र या संसद कानून बना सकती है। तो इसका विकल्प ए है अनुच्छेद 229, विकल्प बी है अनुच्छेद 356, विकल्प सी है अनुच्छेद 352 और विकल्प डी है अनुच्छेद 249। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी यानी अनुच्छेद 249 में ये कहा गया है कि सांसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियों में से जो सातवीं अनुसूची है उसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची में। तो केंद्र सूची में बेसिकली केंद्रीय यानी कि सांसद अपनी जो केंद्रीय सांसद है वो कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाते हैं और समवर्ती सूची पे दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र और राज्य के कानूनों पे कोई डिफरेंस है तो केंद्र का कानून को प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन कई मामलों में
अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची पर भी केंद्र सरकार यानी कि सांसद कानून बना सकती है। नवा सवाल है, निम्नलिखित में से किसी नीति निदेशक तत्वों को ऐसा चेक बताया है, किसने नीति निदेशक तत्वों को ऐसा चेक बताया है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। विकल्प ए है AK अय्यर, विकल्प बी है ए हृदयनाथ कुंजरू, विकल्प सी है HB कामत और विकल्प डी है KT साय। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प है विकल्प डी, यानी कि KT साय जो एक महान संविधान वेत्ता हैं, उन्होंने बोला है कि जो DPSP हैं हमारे नीति निदेशक तत्व, जो बेसिकली भाग 4 में दिए गए हैं नीति निदेशक तत्व, वो एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के अनुसार किया जा सकता है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि नीति निदेशक तत्वों को पूर्णतः फॉलो करना अनिवार्य नहीं है। ये डिपेंड करता है कि राज्य की जो वित्तीय प्रशासनिक और अन्य क्षमताएं हैं वो किस प्रकार की हैं। अगला सवाल है 10वां, केंद्र देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान मतलब ऐसे किसान जिनके पास जोत का क्षेत्र है, विकल्प ए 1 हेक्टेयर से कम, विकल्प बी 1 से 2 हेक्टेयर, विकल्प सी 2 से 3 हेक्टेयर, विकल्प डी 3 से 4 हेक्टेयर। तो जो हमारे छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनको कितनी भूमि के आधार पर उनको सीमांत किसान या छोटा किसान बोला जाता है? तो इसका विकल्प बी यानी ऐसे किसान जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच भूमि है उनको हम छोटे किसान बोलते हैं। 11वां सवाल है, IDA को ऋण देशों द्वारा अदायगी की प्रणाली, यानी आपको बताना है कि IDA से अगर किसी ने ऋण लिया है तो उसकी अदायगी की प्रणाली क्या होगी, यानी वो किस करेंसी में भुगतान कर सकता है। विकल्प ए है विदेशी दुर्लभ मुद्रा में, विकल्प बी है आंशिक या पूर्ण रूप से घरेलू मुद्रा में, और विकल्प सी है केवल SDR में की जा सकती है, और विकल्प डी है केवल स्वर्ण में की जा सकती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प ठीक रहेगा। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों विकल्प बी, यानी आंशिक या पूर्ण रूप से घरेलू मुद्रा में IDR से लिए गए ऋणों का भुगतान किया जा सकता है। आपको बता दें IDA एक इंटरनेशनल एजेंसी है, इसका नाम है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ये UN की एक विशेष शाखा है, वर्ल्ड बैंक जो बोलते हैं उसकी भी एक विशेष शाखा है वर्ल्ड बैंक की ये शाखा है। इसको सॉफ्ट लोन प्रोवाइडर भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। SDR जो दोस्तों एक करेंसी है, ये किसी देश की करेंसी नहीं बल्कि IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसकी एक करेंसी है SDR। 12वां सवाल है, राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? विकल्प ए है खानों के नवीकरण हेतु, विकल्प बी है उद्योगों के आधुनिकरण हेतु, विकल्प सी है लघु इकाइयों की स्थापना हेतु, और विकल्प डी है उद्योगों के आधुनिकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापना हेतु। दोस्तों ये 2005 में बनाई गई थी, तो आपको बताना है कि ये जो बनाया गया था राष्ट्रीय नवीकरण कोष, ये किस लिए बनाया गया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, यानी कि उद्योगों के आधुनिकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापना हेतु इस कोष का गठन किया गया था। आपको बता दें भारत में 1992 में LPG शुरू हुआ। LPG का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये इकोनॉमी के बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, याद रखें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का चरण शुरू हुआ। इसमें बहुत सारी रुग्ण कंपनियों को जो सस्टेन कर ही नहीं पा रहे थे उनको बंद करने का काम किया गया, तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जिसे आप VRS बोलते हैं, वॉलंटरी सर्विस जो आप हुआ है आप निवृत्ति के लिए, उसको चालू किया गया। तो इस टाइप से उद्योगों के आधुनिकीकरण से, मॉडर्नाइजेशन से जो श्रमिक विस्थापित हुए उनके लिए ये कोर्स बनाया गया, राष्ट्रीय नवीकरण कोर्स। 13वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नियत तापी है? आपको बताना है नियत तापी यानी समतापी कौन सा जंतु है नीचे दिए गए विकल्पों में से। विकल्प ए है व्हेल, विकल्प बी है व्हेल शार्क, विकल्प सी है एनालाइटीज, और विकल्प डी है डेक्रो। तो दोस्तों इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प है विकल्प ए, यानी कि व्हेल एक नियत तापी या समतापी है। दोस्तों तापमान सहन करने के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, एक समतापी और एक विषमतापी। ऐसे जानवर, ऐसे जंतु या ऐसे लोग जो पक्षी जो भी है
वो जो समान ताप में ही सस्टेन कर सकता है उनको समतापी या नियत तापी बोलते हैं। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से ये समतापी जीव यानी व्हेल को सबसे ज़्यादा समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। 14वां सवाल है, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र परमानेंट इकोलॉजी जो हमारा सिस्टम है वो कौन सा है? विकल्प ए है मरुस्थल, विकल्प बी है महासागर, विकल्प सी है पर्वत और विकल्प डी है वन। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा दोस्तों? ये कई बार स्टेट पीएससी के एग्जामों में, एसएससी के एग्जामों में, रेलवे और कई एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, यानी कि महासागर, जो हमारे महासागर हैं वो सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। और मरुस्थल की बात करें तो ये सबसे कम बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्र होते हैं, सबसे कम जो जैव विविधता होती है वो मरुस्थली क्षेत्रों में पाई जाती है। महासागर सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। आज का 15वां सवाल और अंतिम सवाल भी है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? आपको बताना है, विकल्प ए है अम्ल वर्षा से, विकल्प बी है विश्वव्यापी तापन से, विकल्प सी है रेडियोधर्मिता से और विकल्प डी है जीवाण्विक क्रिया से। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? स्टोन कैंसर किससे होता है आपको बताना है। तो इसका विकल्प ए यानी अम्ल वर्षा सही विकल्प है। आपको बता दें कि बढ़ते प्रदूषण के कारण वायुमंडल में नाइट्रोजन और सल्फर का स्तर बढ़ता जा रहा है, जो वायु में उपस्थित नमी और अन्य तत्वों से क्रिया करके एसिड का निर्माण करते हैं जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों ही एसिड वर्षा के द्वारा जमीन पर आते हैं जिससे स्टोन कैंसर होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। जो लोग ऐसे मतलब एसिड युक्त जलों को पीते हैं तो उनको स्टोन कैंसर होने की संभावनाएं रहती हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमें उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके परीक्षाओं में कुछ योगदान अवश्य देगा क्योंकि इसमें जो भी फैक्ट शामिल किए गए थे बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।